नमस्कार, भक्ति सफर में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि आमतौर पर साल में चार बार आती है, लेकिन केवल दो बार चैत्र नवरात्रि यानी कि मार्च अप्रैल और शरद नवरात्रि यानी कि सितंबर अक्टूबर व्यापक रूप में भव्यता के साथ मनाई जाती है। शरद ऋतु के दौरान मनाई जाने वाली शरदीय नवरात्रि सबसे प्रतीक्षित नवरात्रियों में से एक मानी जाती है। इस साल शरदीय नवरात्रि 26 सितंबर 2022 से शुरू होकर 4 अक्टूबर 2022 को समाप्त होगी। इसके बाद 5 अक्टूबर 2022 को विजयदशमी की शुरुआत होगी। शरदीय नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन ने शुभ महीने में आता है। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 9 लंबे दिनों तक देवी दुर्गा ने राक्षस राजा महिषासुर के साथ लड़ाई लड़ी और बुराई पर अच्छाई की जीत को चिन्हित करने में उसे मार डाला। नवरात्रि भारत में त्योहारों के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जिसके बाद दशहरा, दिवाली और भाई दूज आते हैं। नवरात्रि के अवसर पर देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें सामूहिक रूप से नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के अवतार को समर्पित है। पहला दिन माता शैलपुत्री, फिर 9वां दिन ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मकुंडा, कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धरात्रि को जाता है। माँ दुर्गा का प्रत्येक रूप एक विशेष रंग से भी जुड़ा होता है और इसका एक विशेष अर्थ भी होता है। नवरात्रि के खास दिनों में इन रंगों को पहनना बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि का त्योहार देवी दुर्गा के रूप की पूजा के साथ शुरू होता है, जो माता शैलपुत्री पहाड़ों की बेटी। यह दिन पीले रंग से जुड़ा है, जो हमारे जीवन में चमक, खुशी और उत्साह लाने के लिए कहलाता है। शैलपुत्री माँ प्रकृति का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका जन्म देवी सीता के आत्मदेह के बाद हुआ था, इसीलिए उन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का अरुवाहन है। ये दिन हरे रंग को समर्पित है, जो नवीकरण, प्राकृति और ऊर्जा के लिए जाना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इस रंग को पहनने से जीवन में विश्वास, सद्भाव और तेजी की ऊर्जा होती है। माना जाता है कि माँ दुर्गा का दूसरा रूप भी भगवान मंगल को नियंत्रित करता है, जो सबका भाग्य खोल देता है। तीसरा दिन देवी दुर्गा के लिए समर्पित होता है, जिन्हें माता चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। देवी अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती है और उनका पसंदीदा रंग ग्रे है। चंद्रघंटा को देवी पार्वती से विवाहित रूप में जाना जाता है। ये एक गहरा रंग है और अक्सर नकारात्मकता से जुड़ा रहता है, लेकिन ग्रे भी बुरे को नष्ट करने के उत्साह को, दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। चौथा दिन देवी खुशमंडा को समर्पित है, जिसे अपने दिव्य मुस्कान से दुनिया भर का श्रेय दिया जाता है। उन्हें मुस्कुराती हुई देवी भी कहा जाता है। यही कारण है कि वह हसमुंद रंग नारंगी से जुड़ी हुई है। ये रंग चमक, खुशी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व भी करता है। स्कंद माता देवी दुर्गा का पांचवा रूप माना जाता है। भगवान कार्तिकेय को अपनी दाहिनी भुजा से पकड़े हुए दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा करने का भी लाभ मिलता है। यदि आप देवता से अधिक आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन सफेद रंग की पोशाक पहने, जो पवित्रता, शांति और ध्यान का प्रतिनिधित्व करते हैं। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहा जाता है। यह देवी दुर्गा का सबसे शक्तिशाली रूप है, क्योंकि उन्हें युधोत्ता देवी या भद्रकाली के रूप में भी जाना जाता है। इस बार देवी दुर्गा के उग्र रूप में होने के कारण उन्हें लाल रंग से दर्शाया गया है। रंग शत्रुओं के प्रति देवी के क्रोध और निर्भरता का प्रतिनिधित्व करता है। कालरात्रि नव दुर्गा का सातवां अवतार है। कालरात्रि शब्द का अर्थ है काल की मृत्यु, या यहाँ पर इसे मृत्यु कहा जाता है। देवी की अपार शक्ति को गहरे नीले रंग से दर्शाया गया है।
देवी के इस रूप को सभी राक्षसों को नष्ट करने वाला माना जाता है। इनका रंग सांवला और निडर मुद्रा का है। इससे जुड़ा रॉयल ब्लू रंग अपार शक्ति का प्रतीक है। आठवां दिन देवी महागौरी को समर्पित है। देवी दुर्गा का ये रूप अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है। जो व्यक्ति देवी के इस रूप की पूजा करते हैं, उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह रंग गुलाबी रंग से जुड़ा हुआ है, जो आशा, आत्मशोधन और सामाजिक उत्थान का प्रतिनिधित्व करता है। नवरात्रि का अंतिम दिन देवी सिद्धात्री की पूजा करने को कहा जाता है। ये दो शब्दों से बना है। सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक शक्ति और आदरी का अर्थ होता है पुरस्कार देने वाला। देवी का यह रूप ज्ञान देता है और आपको अपने आकांक्षाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। इसीलिए ये दिन बैंगनी रंगों से जुड़ा हुआ है, जो महत्वाकांक्षाओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नवरात्रि से जुड़ी हुई ऐसी ही खास कहानियाँ देखने के लिए आपको बने रहना है 36 सफर के साथ।